हेलो दोस्तों, पहली सैलरी आ गई, कुछ पैसे निकाल लिए उसमें से, बाकी अभी वीडियो बनाता हूँ। आगे कंटिन्यू रहो कि कितने पैसे आए और क्या बोलते हैं, कितने ही बचत हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों मेरा यहाँ जो महीना लगता है दोस्तों, वो लगता है 27 से लेकर 27 तारीख तक। हाँ, तो 27 तारीख को मेरी सैलरी आई थी और सैलरी टोटल वैसे तो आई है 2,30,000 रुपये, लेकिन जो मेरी बेसिक है वो है 2,16,000 रुपये। ये विदाउट टैक्स है दोस्तों, आफ्टर टैक्स करके मेरी सैलरी ऐसी बैठेगी। अगर आप 20% यहाँ टैक्स वगैरह लगता है, अगर उसका टैक्स वगैरह आप काट देंगे तो समझ लेते हैं 1,86,000 या 1,76,000 रुपये बैठेंगे। 2,30,000 मेरी इसलिए आई है, एक तो मैंने ना 9 दिन यहाँ पे, मैं पहले ही आ गया था 27 तारीख से 9 दिन पहले, तो इन लोगों ने मेरे को 400 पाउंड दिए हैं, तो 1 पाउंड आपको पता है 100 रुपये के आसपास का है अभी, तो इसलिए मेरी इतनी सैलरी आई है। अब 2,30,000 आई थी क्योंकि मैंने ज़्यादा काम किया था 2,30,000 में से, क्योंकि मैं अभी नया हूँ यहाँ और लंदन में रूम महंगे मिलते हैं। अगर आप अकेले रहोगे तो 50,000 रुपये का रूम मिलता है यहाँ पे, ये जगह सटन करके ये भी थोड़ी सी घूम लो, तो मैंने 55,000 वाला रूम ले रखा है। और मेरा एक फ़ायदा ये है कि मैं जहाँ जॉब करता हूँ उसी के ऊपर मेरा रूम है, तो मेरा किराया बच जाता है। और मैंने लोगों से बात की है तो लोगों ने 35,000 रुपये का रूम ले रखा है, लेकिन उनका जो रेंट है वो 35,000 है, लेकिन जो आना जाना है उसमें वो लोग 150 पाउंड खर्च कर देते हैं और 2 घंटे आने जाने में लगते हैं उन लोगों को, तो 35 और 15 150, यानी कि उनके हो गए 50,000, उनके भी लग जाते हैं। तो मैंने अच्छा रूम ले रखा है, स्टोर के ऊपर ही है, मेरा टाइम बच जाता है। और ये सैलरी कैसे आई दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो बोनस इंसेंटिव नहीं आया है इसीलिए मेरी इतनी सैलरी है, और अभी मुझे 1 महीना ही हुआ है यहाँ पर आए हुए, मैं नया भी हूँ। तो जैसे जैसे आगे बोनस इंसेंटिव आएगा, प्रमोशन लूँगा, है ना, अभी तो मेरी साल की जो है वो 26 लाख है बेसिक सैलरी, तो आने वाले टाइम में 26 लाख से 30 लाख होगी, 30 से फिर 36 होगी, ये सारे क्रिटेरिया हैं यहाँ पे। और अच्छे से काम कर रहा हूँ, प्रमोशन लूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कैसे क्या करना है। तो मेरी पहली सैलरी आई, मैंने घर वालों को सीधा 1,00,000 रुपये भेज दिए घर पे दोस्तों, वो इतने खुश हैं कि पूछो मत, कि इंडिया में यार 1,00,000 रुपये घर पे भेजना बहुत बढ़िया होता है। अभी तो हम ग्रोइंग कर रहे हैं और ग्रोइंग कैरियर में अच्छा है, इस एज में इतनी सैलरी ठीक है, स्टार्टिंग सही है, क्योंकि लोग बाग तो 15-20 लाख रुपये दे के कुवैत का वीज़ा, सॉरी यूके का वीज़ा लेके आते हैं। मैंने तो सिर्फ 2,20,000 रुपये फ़ीस पे की थी, बाकी इधर उधर करके मेरे 4,00,000 रुपये रख गए थे। तो और आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए दोस्तों, उसके लिए कमेंट कर दें, मैं उसके ऊपर और वीडियोस बना दूंगा। अगर आप लोगों को पता करना है कोई सी भी नॉलेज, अगर आप लोगों को चाहिए, ठीक है दोस्तों, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।